तो हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पिजन्स लवर कृपा में। दोस्तों, हमारे कबूतर कुछ सुस्त हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, सूखे पे आ गए हैं। तो सूखे के लिए हम हमेशा यही इस्तेमाल करते हैं, आपको नुस्खा बताते हैं वो क्या करना है आपको, जिससे आपके कबूतर ठीक रहें। ये देखिए मेरा ये वाला कबूतर, ये मादा सुस्त है, और मेरी ये दो बच्चे, ये भी सुस्त हैं, और मेरा ये सहारनपुरी, ब्लैक सहारनपुरी, ये भी सुस्त है। अब आपको हम वो नुस्खा बताएंगे जिससे आपके कबूतर अच्छे हो जाएंगे। ये मैंने लगभग 1 लीटर पानी लिया है, ये देखिए। तो दोस्तों, ये हमने लहसुन लिया है, ये, और ये टेरामाइसिन है 500 mg। ये आपको मेडिकल पर मिल जाएगी, जानवरों के मेडिकल पर। ये टेरा बोलस करके नाम है दवा का, टेरामाइसिन आप पूछ लेंगे तो वहाँ मिल जाएगी, आप सभी लोगों के लिए मेडिकल पर अवेलेबल रहती है। तो ये है अदरक, और ये 1 चम्मच नमक। अब इसको दोनों को, अदरक और लहसुन को छील कर किसी बर्तन में हम खोंद लेंगे, छोटा छोटा टुकड़ा कर लेंगे। तो दोस्तों, अब हम इसको निकालते हैं, टैबलेट को, टेरामाइसिन को। अब इसको निकाल के इस पानी में, जब तक हम लहसुन छीलेंगे तब तक डाल देते हैं इसी पानी में। 1 टेबलेट आपको 2 लीटर पानी में डालना है। तो दोस्तों, ये देखिए हमारे दोनों रखवाल हैं, हमारे कबूतरों के, ये हमारे कबूतर इधर चुनो हैं, ये दोनों। ये बिल्ली को देखते हैं तो तुरंत दौड़ते हैं उसके ऊपर, बिल्ली, नेवला, सांप, कुछ भी हो, बिल्ली, देखो बिल्ली का नाम लेते ही इतने तेज एक्टिव हो जाता है ना ये। तो दोस्तों, हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट कर लिया है। अब ये नमक है, ये नमक इसमें डालेंगे, और ये अदरक और लहसुन इसमें डाल देंगे। तो दोस्तों, इसे हम चम्मच की मदद से घोल लेंगे इसमें। दवा देख लेते हैं हमारी घुली की नहीं, यह है दवा हमारी। दवा घुल जाती है जब तक 15 मिनट के लिए हम रखते हैं इसको गर्म करने के लिए। तो ये अंगारे बने हैं, इसके हम रखते हैं पानी। इसको 10 या 15 मिनट के लिए गर्म होने देंगे। सब चाय पिए हैं यार इसमें। तो दोस्तों, ये 10-15 मिनट उबलने के बाद इसको उबाल लें अच्छी तरह से, जैसे भी आपको चूल्हे पे या गैस पे, अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अभी अच्छे से मिल गया है, अब इसको हम छानेंगे। तो इसका पानी रेडी है दोस्तों, अब हम छान लेते हैं। छन्नी की मदद से छान ले रहे हैं पानी को।
मसाला, तो हमने फाइनली छान लिया है पानी को। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे, 10-15 मिनट के लिए ठंडा हो जाएगा तब कबूतर को देंगे। दोस्तों कबूतरों को दाना देने के बाद 15 मिनट बाद ये पानी देना है। पहले आप लोग दाना दे दीजिए, कबूतर खा लें अच्छी तरह से, फिर उसके बाद 15 मिनट बाद दीजिए, क्योंकि तब दाना खा के तभी ये पानी पीते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताना नुस्खा कैसा है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, आपको दिखाएंगे हमारे कबूतर ठीक हुए कि नहीं हुए। तो थैंक यू।